आपके मेयर हमको अपना बनाना होगा जो 2024 का चुनाव लोकसभा का आदरणीय सतीश मोहन जी को मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मेरे मित्र श्री रद्दी दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। अलीगढ़ के बारे में तो मैंने बहुत सुना है और अलीगढ़ में तो छोटे से बच्चे की आवाज भी बाहर तक गूंजती है। मेरे साथ जोर से बोलो बोलो दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। ये तमाम संस्मरण मेरे पास में है और मैं जानता हूं कि अलीगढ़ पूरे प्रदेश को दिशा देता है। अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध है तो अलीगढ़ के नारे भी प्रसिद्ध है, अलीगढ़ के लोग भी प्रसिद्ध है। और ये बड़े बड़े अलीगढ़ के लोग जब वोट देते हैं ना तो बड़े बड़े नेताओं की जबान पे ताले लगा देते हैं, चाहे वो MIM के हैदराबादी कोई नेता हो या कोई उत्तर प्रदेश के कोई युवा नेता रहे हो या कोई बहन जी हो, कोई भाई जी हो, कोई और हो। अलीगढ़ के लोगों ने हमेशा दिशा दी है उत्तर प्रदेश के राजनीति को। और मैं कह सकता हूं कि अलीगढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के तमाम कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल है और एक संगठन का अनुपम उदाहरण अलीगढ़ है। ऐसे अलीगढ़ को मैं बार बार कोटिशा नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं। गोली चलाता था हिंदुस्तान में 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक सफेद का कबूतर ले आए और 1-2-3 करके कबूतर को छोड़ देते थे। पाकिस्तान से गोली, हिंदुस्तान से कबूतर, हिंदुस्तान से कबूतर चलता चलता आया। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि देखो तो नवाज शरीफ तुमको गले लगा सकता हूँ, शपथ ग्रहण में बुला सकता हूँ, लेकिन अगर गोली चली तो जवाब गोला, अगर गोला चला तो जवाब बम, अगर बम चला तो जवाब परमाणु बम से होगा, घर घुस के मारेंगे और एयर स्ट्राइक होकर उनके घरों तक का हमला करने का काम हुआ। ये कौन है? एक साधारण सा बीजेपी और संघ का कार्यकर्ता स्वयं सेवक जब प्रधानमंत्री बनता है तो ठान लेता है कि भूल गए लातूर, भूल गए चकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी, और नून तेल लकड़ी के साथ साथ अब तो याद है राफेल भी, अब तो याद है ब्रह्मोस भी, अब तो याद है ऑटोमेटिक राइफल भी, अब तो हम करने जा रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर भी। और ये सारी परिकल्पना को साक्षात करने का काम किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और पूज्य दीनदयाल जी के आज जन्म जयंती कार्यक्रम में यहाँ पर आए और आज मैं सही बताऊं मेरा अंतरात्मा क्योंकि छोटा है इसलिए मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। अनिल पारसर को साधुवाद और शुभेच्छा दे रहा है कि उन्होंने यहाँ के जनसंघ से लेकर और तमाम वरिष्ठ लोगों का भी परिचय लेकर यहाँ पर रखा है प्रदर्शनी में। और प्रदर्शनी में कुशलराव ठाकरे से जना कृष्णा मूर्ति और बंगालू लक्ष्मण से लेकर उन्होंने आज के समय तक नड्डा जी का इतिहास अध्यक्षों का यहां पर दिया है। यही जानकारी होनी चाहिए हम सबको। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को अपना इतिहास पता होना चाहिए। और आज अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती कार्यक्रम में जो प्रदर्शनी लगी है, मैं इस प्रदर्शनी को कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की श्रेष्ठतम प्रदर्शनियों में से एक है, उसको देखकर जरूर जाइएगा। अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में सहभागिता करने का सौभाग्य मुझे मिला है और मैं आनंदित हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता की सेवा में तत्पर है। आज केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन खाता हो, शौचालय का निर्माण हो, आवास दिए जाने की बात हो, गैस के चूल्हे हो या डायरेक्ट
जो है वो धन का ट्रांजेक्शन का सीधे आरटीजीएस से उनका निस्तारण हो। आज सारी चीज़ों पर हम एक ही बिंदु देखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी का निचले छोटे दबे कुचले व्यक्तियों के उद्धार की जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को लेकर आज योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों काम कर रहे हैं। अलीगढ़ हमारे पौरुषशाली लोगों की कर्मस्थली है, जहाँ पर कल्याण सिंह जैसे लोग रहे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ऐसे लोग रहे जिन्होंने विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस जगह के कार्यकर्ताओं का स्वरूप और जगह से बिल्कुल अलग है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का एकता और समन्वय ये दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण के तौर पर है। सर, राज्यसभा में सवाल है, बिहार के छपरा में छात्र की इसलिए हत्या कर दी गई, छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था, बिहार के छपरा में हिंदू छात्र की समुदाय विशेष। देखिए बिहार आज जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। नीतीश जी का जनाधार समाप्त होने के बाद वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लालू जी की तिलसिम में फंस गए, और इस चक्कर में वो निकलने से पहले ही अब वो राजनीति में शून्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी राजनीतिक जीवन का सूर्यास्त उनका संभव है, और अगर वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनके जीवन की सबसे बड़ी हार उनको उत्तर प्रदेश में हारनी होगी। देखिए भारत जोड़ो के बजाय उनको अपना वो परिवार जोड़ो तो कार्यक्रम उन्होंने चलाया है, और नेहरू जी के बाद से लेकर मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी से लेकर अब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उसके बाद कोई और, उन्होंने परिवार जोड़ो कार्यक्रम तो चलाया है अच्छी तरीके से, लेकिन कांग्रेस को जोड़ने का काम जब वो नहीं चला पाए अपनी पार्टी को, तो देश को जोड़ने का काम वो क्या करेंगे। उत्तराखंड में जो अंकिता हत्याकांड हुआ है, नहीं देखिए भैया उसकी जानकारी मुझे नहीं है, और इतना आप जान लीजिए चाहे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की, जीरो टॉलरेंस है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है और कठोर कार्रवाई होगी। देखिए सिंह एक ऐसे सदपुरुष रहे हैं जिनके मानसिक संतुलन का समुचित उपचार समय समय पर होता रहता है, कभी पराजय के रूप में, कभी उनकी पार्टी में उनकी उनको निग्लेक्ट करने के रूप में, और कभी पारिवारिक रूप में। दिग्विजय सिंह जी को आज की वर्तमान राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेता, और मैं समझता हूं उनको बीजेपी और जनसंघ को अच्छी तरीके से जानने की ज़रूरत है। संघ में पहले से ही मुस्लिम जो कहा जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम मंच एक है, उसको पहले से उसमें हमारे मुस्लिम बंधु जो राष्ट्र सेवा में समर्पित है उसमें काम करते हैं। बीजेपी में भी अल्पसंख्यक मोर्चा पहले से है, वो काम करता है। बीजेपी कोई किसी जाति और धर्म की विरोधी पार्टी नहीं है। नहीं, देखिए वो एक ऐसा विषय है जिस पर समय समय पर काफ़ी गहराई से छानबीन हुई है, और मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ लोग हैं जो भी बातें आएंगी वही बता सकते हैं इस बारे में। धन्यवाद। नहीं, बीजेपी की सरकार किसी के साथ पक्षपात नहीं करती और किसी के पास भेदभाव भी नहीं। अखिलेश यादव समाजवादी के बहुत से नेता ये आरोप लगाते रहे हैं सरकार पर कि आजम सभा के साथ। मैं समझता हूँ कि उनको पहले स्वयं ही अपने पार्टी के लोगों का सम्मान करना सीखना चाहिए, उनको उचित स्थान देना चाहिए, दूसरे के दल के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।